एक किसान हमेशा एक बेकरी वाले को एक सेर मक्खन बेचा करता था। वो किसान हमेशा सुबह के समय उस बेकरी वाले के पास आता और उसे एक सेर मक्खन दे जाता। एक बार बेकरी वाले ने सोचा कि वो हमेशा उस पर भरोसा करके मक्खन ले लेता है, क्यों ना आज इस मक्खन को तोल कर तो देखूं कि एक सेर है भी या नहीं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि उसे पूरा मक्खन मिल भी रहा है या नहीं। जब बेकरी वाले ने मक्खन तोला तो मक्खन का वजन कुछ कम निकला। बेकरी वाला गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने उस किसान पर केस कर दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया। उस किसान को जज के सामने पेश किया गया। जज ने उस किसान से कहा कि बेईमानी क्यों करते हो? तो किसान ने कहा, नहीं साहब, मैं कोई बेईमानी नहीं करता। इस पर जज ने कहा कि अगर बेईमानी नहीं करते तो दिखाओ वो बाट जिससे मक्खन तोलते हो। किसान ने कहा, जी कोई बाट नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं मक्खन तोल लेता हूँ। जज ने हैरानी से पूछा, अगर बाट नहीं है तो तुम मक्खन कैसे तोलते हो? इस पर किसान ने भोली सूरत में जवाब दिया कि साहब, इस बेकरी वाले ने तो अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे मक्खन लेना शुरू किया है, पर मैं तो कई सालों से इससे ब्रेड लेता हूँ। ये रोज़ सुबह एक सेर ब्रेड देकर जाता है और मैं उसी ब्रेड का बाट बनाकर उसे मक्खन तोल कर दे आता हूँ। अब आप ही बताइए कि दोष किसका है। किसान का ये जवाब सुनकर बेकरी वाला हक्का बक्का रह गया। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में वो ही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो तो हमें भी अच्छा ही देना होगा।